नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। एक बार पुनः आप सभी लोगों का अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारे लेक्चर का विषय है भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी एवं केंद्रीय विधानमंडल की रचना व शक्ति। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल की रचना व शक्ति को एक बार पुनः परिभाषित किया। केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों में विभक्त किया और उनकी शक्तियों की एक नवीन सिरे से व्याख्या भी की। दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी के संदर्भ में। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एक फेवरेट प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित कि 1919 ईस्वी के एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय विधान मंडल की रचना और शक्ति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं हम, डिस्कस क्रिटिकली द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव अंडर द एक्ट ऑफ 1919। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन थे इस समय जॉर्ज फिफ्थ, प्रधानमंत्री थे डेविड लॉयड जॉर्ज जी, तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जी और तत्कालीन भारत राज्य सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू जी। तो दोस्तों इस प्रकार से इन महानुभावों के सहयोग से भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी पारित हुआ। भारत में 1921 से यह एक्ट लागू हुआ और इस एक्ट में भारतीय केंद्रीय विधान मंडल की रचना और शक्ति के विषय में आमूलचूल बदलाव किया गया। दोस्तों अब हम ये क्या बदलाव किया गया दोस्तों, इस विषय में अब हम बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय विधान मंडल अर्थात सेंट्रल लेजिस्लेटिव के विषय में इस एक्ट में किस तरह से नवीन व्यवस्था को प्रावधानित किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1919 के इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में आमूलचूल बदलाव लाए गए। पुरानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब समाप्त कर दिया गया और केंद्रीय व्यवस्थापिका का दो सदनों में विभाजन भी कर दिया गया, ब्रिटेन की संसद के समान। आपको मालूम ही होगा कि ब्रिटेन की संसद में दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में अब भारतीय विधानमंडल को भी नवीन सिरे से रचा गया। देखिए दोस्तों क्या किया गया इसमें, तो केंद्रीय विधानमंडल का दो भागों में विभाजन कर दिया गया। पहले को नाम दिया गया केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को नाम दिया गया दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट। दोस्तों इस प्रकार से अब केंद्रीय विधानमंडल हो गया बाइकैमरल या द्विसदनी, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। ध्यान रखिए दोस्तों, केंद्रीय विधानसभा को संज्ञा दी गई निम्न सदन की, जबकि राज्य परिषद को काउंसिल ऑफ स्टेट को संज्ञा दी गई उच्च सदन की। तो आप समझ सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड के समान काउंसिल ऑफ स्टेट को और हाउस ऑफ कॉमन्स के समान केंद्रीय विधानसभा को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके साथ ही इनकी सदस्य संख्या को भी निर्धारित किया गया। क्या किया गया दोस्तों, देखते हैं हम कि इनकी सदस्य संख्या निर्धारित की गई केंद्रीय विधानसभा की 145 सदस्य होंगे केंद्रीय विधानसभा में, और राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 सदस्य मतलब 60 सदस्यों की व्यवस्था प्रावधानित की गई। तो दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल का देखा आपने, परंपरागत पुरानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की समाप्ति और एक नवीन प्रकार के केंद्रीय विधानमंडल का भारत में आगाज होना, और इसके अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का गठन किया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि इन दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों के बहुमत को बनाया गया और इनके कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। दोस्तों हम देखते हैं केंद्रीय विधानसभा की संरचना किस प्रकार से बनाई गई। देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय विधानसभा अर्थात निम्न सदन की जो रचना की गई और इसके अंतर्गत कुल 145 सदस्यों को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, इन 145 सदस्यों में भी वर्ग विभाजन था, मतलब सदस्यों का भी क्या किया गया, वर्ग में विभाजित किया गया। पहले को नाम दिया गया दोस्तों मनोनीत सदस्य और दूसरे को नाम दिया गया निर्वाचित सदस्य। दोस्तों इस 145 सदस्यीय सदन में 41 सदस्य होते थे मनोनीत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, और निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी दोस्तों इसमें 104। अब हम देखते हैं दोस्तों, मनोनीत सदस्यों में भी फिर उप विभाजन किया गया। ध्यान रखिएगा, जो पदाधिकारी थे
वे थे 26 और गैर अधिकारी थे इसमें 15। तो दोस्तों 41 सदस्यों को भी अब दो भाग में बांट दिया, एक पदाधिकारी और एक गैर पदाधिकारी। ऐसे ही दोस्तों हम देखते हैं निर्वाचित सदस्यों के विषय में क्या प्रावधान किए गए। तो निर्वाचित सदस्यों को मूल रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी है साधारण निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले सदस्य, इनकी संख्या रखी गई दोस्तों 52। 52 सदस्य होते थे साधारण निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित। विशेष निर्वाचन क्षेत्र से दोस्तों 20 सदस्य निर्वाचित होते थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे भी फिर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। भूमिपतियों या जमींदारों द्वारा निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे 7, यूरोपियों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती थी 9 और अन्य भारतीय समुदायों द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती थी 4। तो दोस्तों देखा आपने, इन 20 सदस्यों को 7, 9 और 4, भूमिपतियों द्वारा 7, यूरोपियों द्वारा 9 और अन्य भारतीय समुदायों द्वारा 4 सदस्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का इस एक्ट में विस्तार किया गया था और अब दोस्तों मुस्लिमों के साथ साथ सिखों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रोवाइड किए गए थे। अब मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से दोस्तों आने थे 30 सदस्य और सिखों द्वारा निर्वाचित सदस्य होने थे इसमें 2 सदस्य। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से भी 32 सदस्य आने थे, 30 मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से और 2 सिख निर्वाचन क्षेत्र से। तो दोस्तों देखा आपने केंद्रीय विधानसभा या निम्न सदन की रचना। दोस्तों केंद्रीय विधानसभा की संरचना के विषय में हमने अध्ययन किया। अब दोस्तों हम देखते हैं केंद्रीय विधानसभा या निम्न सदन के विषय में अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किए गए इस एक्ट में। देखिए दोस्तों, इसका जो प्रमुख होता था वो होता था वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय विधानमंडल के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का प्रमुख भी कौन हो गया? वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो निर्वाचित सदस्य थे उनमें मताधिकार की योग्यता क्या समाविष्ट की गई, क्या प्रावधानित की गई? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मताधिकार की योग्यता के संदर्भ में सबसे पहला है कि वह 15 रुपये मासिक किराया देता हो, मतलब जो मतदाता है वो कम से कम 15 रुपये मासिक किराया देता हो, या फिर न्यूनतम 2000 रुपये वार्षिक आय कर देता हो, मतलब अपनी जो सालाना वार्षिक आयकर है वो 2000 रुपये अदा करता हो ब्रिटिश सरकार को, या फिर 15 रुपये वार्षिक नगर पालिका को टैक्स अदा करता हो। स्थानीय स्वशासन का अंग है भारत में नगर पालिकाएँ, इन्हें 15 रुपये का टैक्स वार्षिक रूप से अदा करता है, या फिर 50 रुपया वार्षिक भूमि कर देता हो, मतलब लैंड रेवेन्यू कितना देता हो? 50 रुपया। इस प्रकार से दोस्तों मताधिकार की योग्यता इस एक्ट में निर्धारित की गई थी। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भागीदारी करने वाले मतदाताओं के लिए। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि देश की करोड़ों की जनता में ऐसे लोग जो कि केंद्रीय विधानसभा हेतु मताधिकार का प्रयोग करेंगे उनकी संख्या 1920 में लगभग 9 लाख ही थी। करोड़ों की जनसंख्या में मताधिकार कितना दिया दोस्तों? केवल 9 लाख व्यक्तियों को। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल हुआ करता था 3 वर्ष। लेकिन ध्यान रखे दोस्तों, केंद्रीय विधानसभा के कार्यकाल को गवर्नर जनरल बढ़ा भी सकता था या उसके कार्यकाल होने के पहले उसे भंग भी कर सकता था। ये जरूर ध्यान रखिएगा इसके कार्यकाल के संबंध में। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि विधानसभा के 5/7 सदस्य, मतलब हर 7 में से 5 सदस्य कौन होंगे? निर्वाचित, और 2 कौन होंगे? मनोनीत। देखिए दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विभिन्न प्रांतों में मताधिकार भिन्न भिन्न था, मतलब हर प्रांत को जो मत दिया गया था इस सदन में अपने सदस्यों को भेजने का वह पृथक था। प्रांतों में स्थानों का जो विभाजन किया गया था, बंटवारा किया गया था, उसका आधार जनसंख्या नहीं था। जैसे आज हमारे आधार क्या होता है? जनसंख्या। उस समय क्या आधार था? जनसंख्या नहीं, बल्कि जो शासक थे, ब्रिटिश शासक थे, उनकी दृष्टि में उस प्रांत का क्या महत्व है उस पर ही यह निर्भर करता था। जैसे पंजाब, जानते हैं आप, सैन्य महत्व रखता था। बिहार और उड़ीसा को 12-12 स्थान मिले। पंजाब की जनसंख्या बिहार और उड़ीसा की जनसंख्या का 2/3 के लगभग ही थी, लेकिन फिर भी सैन्य महत्व होने के कारण पंजाब को भी बिहार और उड़ीसा के समान 12-12 स्थान प्राप्त हुए। तत्पश्चात दोस्तों, बंबई
एक महत्वपूर्ण भारतीय प्रांत था, व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था ब्रिटिश शासकों की नज़रों में। तो ध्यान रखिएगा, उसे और मद्रास को, बम्बई और मद्रास को 16-16 स्थान मिले, लेकिन दोस्तों बम्बई की जनसंख्या मद्रास की जनसंख्या का आधा ही थी, 50% भाग थी, लेकिन फिर भी उसे महत्व दिया गया 16 स्थानों का केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों को भेजने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि जनसंख्या के आधार पर न होते हुए यह किस पर आधारित था, ब्रिटिश शासकों की नज़र में जिस प्रांत का जो महत्व था उसके हिसाब से उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों को स्थान आवंटित किए, राज्यों को उतने सदस्यों को भेजने का अधिकार दिया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि वित्तीय मामलों में केंद्रीय सभा को विशेष अधिकार प्रोवाइड किए गए और इसे ही भारतीय बजट पर स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त था, यह अधिकार राज्य परिषद को प्राप्त नहीं था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अन्य सभी मामलों में केंद्रीय विधानसभा हो या राज्य परिषद हो, दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रदाय करने की शक्ति केवल केंद्रीय विधानसभा को ही थी, राज्य परिषद को नहीं। दोस्तों किसी भी सामान्य विधेयक पर यदि गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। चूंकि दोस्तों आप जानते हैं केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या है 145 और राज्य परिषद की सीट है केवल और केवल 60, तो ऐसी स्थिति में जब इस संदर्भ में संयुक्त बैठक का आयोजन होगा तो स्पष्ट ही है कि केंद्रीय विधानसभा ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगी। जैसे वर्तमान में भारतीय लोकसभा और भारतीय राज्यसभा दोनों में यदि किसी सामान्य विधेयक पर यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तब जब संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है तो उसमें जैसे लोकसभा की स्थिति मजबूत होती है तो वैसे ही तत्कालीन समय में उस समय में केंद्रीय विधानसभा की स्थिति मजबूत हो जाया करती थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं राज्य परिषद अर्थात उच्च सदन के विषय में। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया है कि इसकी सदस्य संख्या हुआ करती थी 60। अब इस राज्य परिषद के जो सदस्य हैं इन्हें भी दो वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग रखा गया मनोनीत सदस्यों का और दूसरा वर्ग रखा गया निर्वाचित सदस्यों का। मनोनीत सदस्यों की संख्या इसमें रखी गई 26 और निर्वाचित सदस्यों की संख्या रखी गई 34। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन मनोनीत सदस्यों का भी फिर कैटेगराइजेशन किया गया दो भाग में। पदाधिकारी इसमें रहेंगे 19 और गैर अधिकारी रहेंगे इसमें 7। तो 19 और 7 टोटल मिला के कितने सदस्य हो गए दोस्तों, इसमें 26 सदस्य। तो मनोनीत सदस्य कितने हो गए 26। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं निर्वाचित सदस्य जो कि 34 है उनका कैसे फिर उपविभाजन किया गया, उपवर्गीकरण किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें भी फिर तीन कैटेगरी बनाई गई, जैसे साधारण निर्वाचन क्षेत्र, यूरोपियों द्वारा निर्वाचित क्षेत्र और सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। ध्यान रखिए दोस्तों, साधारण निर्वाचन क्षेत्र से 20 सदस्य आने थे, यूरोपियों द्वारा भी 3 सदस्यों का इसमें निर्वाचन किया जाना था और बाकी जो 11 सदस्य बचे दोस्तों उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाना था और सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से दोस्तों मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से 10 सदस्यों का चुना जाना था और सिखों द्वारा 1 सदस्य का निर्वाचन किया जाना था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखते हैं कि राज्य परिषद की संरचना या रचना किस रूप में की गई। मनोनीत सदस्य 26, निर्वाचित 34, मनोनीत में से 19 पदाधिकारी और 7 गैर अधिकारी, निर्वाचित 34 सदस्यों में से 20 साधारण निर्वाचन क्षेत्र से, यूरोपीय द्वारा निर्वाचन क्षेत्र से 3 और सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से 11, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र में भी मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से 10 और सिखों द्वारा 1। तो दोस्तों यह थी राज्य परिषद या उच्च सदन की रचना। दोस्तों अब हम बात करते हैं राज्य परिषद या उच्च सदन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ध्यान रखिएगा, राज्य परिषद का जो प्रमुख होता था वह भी होता था वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सदन का, राज्य परिषद का जो कार्यकाल हुआ करता था वह हुआ करता था 5 वर्ष। आपने देखा था दोस्तों केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष था, लेकिन राज्य परिषद का कार्यकाल उससे 2 वर्ष अधिक अर्थात 5 वर्ष किया गया। तत्पश्चात दोस्तों इस सदन के, राज्य परिषद के जो सदस्य थे उन्हें संज्ञा दी जाती थी माननीय या ऑनरेबल की, ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं मताधिकार की योग्यता और प्रत्याशियों की योग्यता के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट के अनुसार जो मताधिकार था वह एक थोड़ा विशेष किस्म का था। इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी 10,000 से 20,000 रुपये तक की वार्षिक आय पर टैक्स देते हों,
वे मताधिकारी हो सकते थे इस सदन के लिए। तत्पश्चात दोस्तों, जिनकी न्यूनतम 759 रुपये से 5000 रुपये वार्षिक भूमि कर अदा करने की योग्यता होती थी, वह भी दोस्तों इसके अंतर्गत मताधिकारी होते थे। तत्पश्चात दोस्तों, अब प्रत्याशियों के संदर्भ देख लेते हैं कि इस सदन के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचन में प्रत्याशी बनने के लिए किसी भी विधानमंडल का अनुभव होना आवश्यक किया गया था, या फिर दोस्तों किसी विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के सीनेट का मेंबर होना अति आवश्यक निर्धारित किया गया। इसके साथ ही दोस्तों, जिला निकायों, महापालिकाओं, केंद्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर उन्हें आसीन होना चाहिए, या फिर दोस्तों इसके साथ में सरकार से शमसुल उलेमा या महोपाध्याय की उपाधि उन्हें धारण करना चाहिए, मतलब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें शमसुल उलेमा महोपाध्याय की उपाधि दी हो। तत्पश्चात दोस्तों, हम देखते हैं कि उपयुक्त मताधिकार प्रणाली के अंतर्गत केवल जमींदार, केवल पूंजीपति इत्यादि को ही मताधिकार प्राप्त था, जिससे उच्च सदन साधारण जनता का प्रतिनिधित्व न करते हुए केवल बड़े पूंजीपतियों, बड़े जमींदारों का ही प्रतिनिधित्व करता हुआ देखा गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत की करोड़ों की जनसंख्या में से केवल 17,364 व्यक्ति ही इसके मताधिकार के योग्य थे। तो इतने लोग, 17,364 लोग ही भारत में राज्य परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी सदस्यता की प्रकृति क्या थी, राज्य परिषद की सदस्यता की प्रकृति आखिर थी क्या। तो ध्यान रखिएगा, इसमें केवल पुरुष ही सदस्य बन सकते थे, मेल ही क्या बनेगा इसका मेंबर। स्त्रियों को इस सदन की सदस्यता हेतु उपयुक्त नहीं माना गया। यह एक और विशेषता है राज्य परिषद की कि किसी भी महिला मेंबर को इसमें जगह नहीं दी गई। तत्पश्चात दोस्तों, वायसराय की क्या भूमिका थी इसमें। तो देखें दोस्तों, वायसराय इस सदन को स्थापित करने, भंग करने या आहूत करने का अधिकार रखता था। तो यह था वायसराय का इस सदन में भूमिका। तत्पश्चात दोस्तों, हम देखते हैं कि वित्तीय मामलों में राज्य परिषद को केंद्रीय विधानसभा के समान विशेष अधिकार नहीं दिए गए थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वित्तीय मामलों और बजट को छोड़कर अन्य सभी मामलों में केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों अर्थात केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद को लगभग समान अधिकार प्राप्त थे, किंतु प्रदाय करने की शक्ति विधानसभा को ही थी, केंद्रीय विधानसभा को। ठीक है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए दोस्तों, किसी सामान्य विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में इन दोनों सदनों का, केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी किया गया था। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, चूंकि केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 145 थी और राज्य परिषद की सदस्य संख्या हुआ करती थी 60, इसीलिए दोस्तों केंद्रीय विधानसभा का पलड़ा संयुक्त बैठक में भारी हो जाया करता था, क्योंकि यहाँ पर जो भी निर्णय करने हैं किसी सामान्य विधेयक पर गतिरोध के संबंध में, वे करने हैं सामान्य बहुमत से। दोस्तों अब हम देखते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका की शक्ति और अधिकार। आपको मालूम ही होगा कि पहले की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग कर दिया, समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट के माध्यम से, और एक नवीन तरह की केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय विधानमंडल को अस्तित्व में लाया गया था इस एक्ट के माध्यम से ही। तो दोस्तों इसके अंतर्गत नवीन केंद्रीय व्यवस्थापिका या विधानमंडल क्या अधिकार मिले, तो हम देखते हैं सबसे पहले तो उन्हें कार्यपालिका संबंधी अधिकार या शक्तियां प्रोवाइड की गई, एग्जीक्यूटिव पावर्स। तत्पश्चात दोस्तों ने वित्त संबंधी शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स या राइट्स भी प्रोवाइड किए गए, और एक और महत्वपूर्ण राइट्स था केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए, वह था कानून संबंधी शक्तियां, लॉ मेकिंग पावर्स का जो ये पार्ट है यह भी काफी महत्वपूर्ण था केंद्रीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय विधानमंडल की शक्ति और अधिकार के संबंध में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका को कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय व्यवस्थापिका दो अलग अंग हो गए। ठीक है, अब इसे वित्त के संबंध में अर्थात केंद्रीय व्यवस्थापिका को वित्त के संबंध में कम शक्तियां दी गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका भारत में प्रांतीय विषयों को छोड़कर
अन्य सभी प्रकार के जो भी विधि निर्माण हैं उन्हें करने के लिए सक्षम बनाई गई। अब दोस्तों हम देखते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका की इन्हीं शक्तियों को या इन्हीं अधिकारों को व्यवस्थित सविस्तार रूप से। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। 1919 के इस एक्ट में केंद्रीय व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया, मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दोनों को पृथक पृथक कर दिया। बस व्यवस्थापिका कार्यपालिका से केवल प्रश्न पूछने, वाद विवाद या किसी विषय पर चर्चा करने और आलोचना करने का ही अधिकार रखती थी, यह जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की जो पुरातन व्यवस्था थी वो कायम रखी गई। केंद्रीय सरकार उत्तरदायी सरकार नहीं थी, प्रांतों में सीमित मात्रा में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया था द्वैध शासन व्यवस्था के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों गवर्नर जनरल अब भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी था केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय कार्यपालिका का, और केंद्रीय शासन सपरिषद गवर्नर जनरल के ही अधीन रखा गया था। गवर्नर जनरल केवल और केवल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के माध्यम से लंदन स्थित ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी बनाया गया था, तो वह भारतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और वह भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से। दोस्तों अब हम देखते हैं केंद्रीय विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों के विषय में। वैसे तो दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल को जो वित्तीय शक्तियां दी गई थी वे केवल नाम मात्र की थी। हम देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका को केवल नाम मात्र के ही वित्तीय संबंधी अधिकार या शक्तियां प्रोवाइड की गई। वैसे तो दोस्तों भारत का संपूर्ण वार्षिक बजट केंद्रीय विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका 85% भाग गवर्नर जनरल की इच्छा के अनुसार ही पेश किया जाता था और 15% हिस्से पर ही केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्य मतदान कर सकते थे। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखिएगा गवर्नर जनरल को इस बजट में मांगों या ग्रांट्स में कटौती करने का भी अधिकार दिया गया था। साथ में दोस्तों कुछ भारतीयों को भी सरकार की स्थायी समितियों जैसे वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति में भी नियुक्ति प्राप्त हुई। बस दोस्तों यही थी केंद्रीय व्यवस्थापिका की वित्तीय शक्तियाँ कि उसके कुछ सदस्यों को कुछ वित्तीय समितियों, वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति में नियुक्ति प्राप्त हो गई थी, बाकी दोस्तों 15% हिस्से पर ही केंद्रीय व्यवस्थापिका का आप बोल सकते हैं अख्तियार था, लेकिन बाकी 85% जो बजट का भाग था वह गवर्नर जनरल की इच्छा के अनुसार ही पेश किया जाता था और पारित भी किया जाता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका उसमें कोई भी अड़ंगा नहीं लगा सकती थी, कोई भी सुधार नहीं कर सकती थी। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं केंद्रीय विधानमंडल की कानून निर्माण की शक्तियाँ। केंद्रीय व्यवस्थापिका को इस एक्ट के द्वारा प्रांतीय विषय को छोड़ दीजिए आप, केवल बाकी सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सौंपा गया। यह उसे शक्ति दी गई कि वह प्रांतीय विषय को छोड़कर जितने भी केंद्रीय विषय हैं उन पर विधि निर्माण कर सकेगी। तत्पश्चात दोस्तों द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल को पर्याप्त शक्तियां दी गई थी कानून निर्माण की या विधि निर्माण के संबंध में। तत्पश्चात दोस्तों यह भारतीय प्रजा, भारतीय अधिकारियों के लिए चाहे वह भारत में कार्यरत हों या विदेश में, किसी भी विद्यमान कानून को रद्द कर सकती थी, संशोधन कर सकती थी, बदल सकती थी, परिवर्तित भी कर सकती थी। तत्पश्चात दोस्तों सदस्यों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था, उन्हें प्रश्न पूछने या पूरक प्रश्न या अल्पकालिक प्रश्न पूछने की भी अनुमति इस एक्ट के माध्यम से दी गई। और दोस्तों इसी के साथ सदस्यों को प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव लाने की भी अनुमति मिल गई। ऐसा इसलिए दोस्तों ताकि कोई जो सार्वजनिक महत्व के महत्वपूर्ण मसले हैं उनके ऊपर त्वरित रूप से विचार किया जा सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों विधानमंडल पर, केंद्रीय विधानमंडल पर कुछ नियंत्रण भी थे। अब ये नियंत्रण क्या थे दोस्तों अपनी कानूनी शक्तियों के प्रयोग में उनके विषय में बात करते हैं। सबसे पहला, केंद्रीय व्यवस्थापिका को कुछ विधेयकों को सदन में लाने के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पूर्वानुमति आवश्यक थी। तत्पश्चात दोस्तों केंद्रीय व्यवस्थापिका को अंग्रेजी संसद के मतलब ब्रिटिश संसद के भारत पर लागू होने वाले जो वर्तमान कानून हैं
उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का भी अधिकार नहीं था। इन परिवर्तनों के अंतर्गत संशोधन और उसकी समाप्ति या रद्द करने का कोई भी अधिकार केंद्रीय विधानमंडल को नहीं दिया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल अर्थात केंद्रीय व्यवस्थापिका को भारत मंत्री सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना न्यायपालिका के उन्मूलन संबंधी कोई भी विधि बनाने का अधिकार नहीं दिया गया, उसे इसके लिए सक्षम भी नहीं बनाया गया। यह भी एक अपवाद था केंद्रीय विधानमंडल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में। तत्पश्चात दोस्तों विदेशी और देशी रियासतों से संबंध के मामले में भी केंद्रीय विधानमंडल किसी भी तरह से केंद्रीय कार्यपालिका के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता था। तत्पश्चात दोस्तों थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनका अनुशासन बनाए रखने संबंधी जो भी विधियां हों वह केंद्रीय विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रखी गई। सार्वजनिक ऋण और टैक्स के मामले में भी केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां नगण्य थीं। जनता के धर्म और रीति रिवाज, इनको भी केंद्रीय विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रखा गया। तत्पश्चात दोस्तों केंद्रीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयकों को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वापस सदन को पुनर्विचार हेतु भेज सकता था, या फिर दोस्तों उसके पास यह भी राइट्स था कि वह उसे ब्रिटिश क्राउन के विचारार्थ रोक भी सकता था, आरक्षित भी कर सकता था। इसके साथ ही दोस्तों गवर्नर जनरल को एक विशेषाधिकार यह भी दिया गया था कि वह देश की शांति सुरक्षा और कल्याण के दृष्टिकोण से, शांति सुरक्षा और कल्याण के मद्देनजर केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक को समाप्त भी कर सकता था, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत किए गए किसी प्रस्ताव या विधेयक को हस्ताक्षरित करके अध्यादेश के रूप में जारी भी कर सकता था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों गवर्नर जनरल के इस अध्यादेश का प्रभाव क्या होगा, वैसा ही इसका प्रभाव होगा जैसा कि केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधि का होता है। दोस्तों अब तक हमने देखा है केंद्रीय विधानमंडल के विषय में, केंद्रीय विधानमंडल के दो सदनों के विषय में, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के विषय में। हमने देखा है दोस्तों कि आखिर इसमें सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता था, आखिर इनके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किए गए, आखिर इनकी शक्तियां या अधिकार क्या थे और इसके ऊपर निर्बंधन भी क्या ब्रिटिश संसद द्वारा इस एक्ट के द्वारा लगाए गए थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसकी एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के विषय में किए गए प्रावधानों के ईमानदारी पूर्वक मूल्यांकन के विषय में। देखिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका एवोल्यूशन या मूल्यांकन। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस एक्ट के अंतर्गत जो नवीन व्यवस्थापिका सभा या केंद्रीय विधानमंडल की व्यवस्था को प्रावधानित किया गया उसमें दोस्तों कुछ तो दोष थे तो कुछ उसमें अच्छाइयाँ भी थी। इस व्यवस्थापिका सभा का सबसे बड़ा दोष यह था कि अब भी गवर्नर जनरल का इस पर अपना प्रभुत्व था, आधिपत्य था, अख्तियार था। केंद्रीय विधानमंडल के अधिकार या शक्तियों के संबंध में उसके हर एक क्षेत्र में गवर्नर जनरल का अख्तियार था, हस्तक्षेप था। ध्यान रखिएगा इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल की जो यह व्यवस्था की गई वह एक दिखावा मात्र रह गई, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो यह दिखावे की व्यवस्था रह गई थी ऐसा मानना है आलोचकों का। साथ में दोस्तों इसके अंतर्गत एक नवीन व्यवस्थापिका सभा जिसमें दो सदनों की व्यवस्था प्रावधानित की गई थी वह पुरानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्वरूप और आधार में अधिक लोकतांत्रात्मक थी। मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पुरातन थी उससे यदि इसकी तुलना की जाए तो यह अधिक लोकतंत्रात्मक है। साथ ही दोस्तों इसके आधार पर एक ऐसी व्यवस्था हमारे देश में कायम हुई जो कि भारतीय जनता की बातों को कुछ तो महत्व देती थी। हाँ पूर्ण महत्व देना संभव नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ पे था ब्रिटिश शासनकाल, लेकिन फिर भी थोड़ा भी जो महत्व दिया जाता था वह इस केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा ही प्राप्त हुआ।